राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि एमपी में कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी माहौल बनाने में माहिर है, सिर्फ नारेबाजी करने से लोगों का भला नहीं होगा। उम्मीदवारों की लिस्ट पर कमलनाथ ने कहा कि कल सीईसी की बैठक है, इसमें दावेदारों पर चर्चा होगी और जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी चुनौती बेरोजगारी है और यही नौजवान जो और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है। ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ का क्या असर है। सर, लिस्ट कब तक जारी होने वाली है? अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जीत का दावा कमलनाथ के द्वारा किया जा रहा है, 12 से 13 सीट पक्की है, क्या कहेंगे? ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उज्जैन पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की और उन्होंने ये दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है 12 से 13 सीट जीत रही है, वहीं इसको जो है पूरा हवाबाजी बना रखी है बीजेपी ने, इसलिए ये माहौल बना हुआ है। और वहीं छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा से उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार नकुल नाथ ही चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर कहा है कि साथ ही कल संभवतः जो है लिस्ट जारी हो सकती है उम्मीदवारों की, तो इसको लेकर जो है कमलनाथ ने अपने बयान दिया है। और कमलनाथ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय।